सबसे पहले बुलाना चाहूंगा अपने आप को, बुलाना चाहूंगा आप लोगों के सामने और इस प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करना चाहूंगा, राइट? सो फ्रेंड्स, जो आज का हमारा जो प्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं सामने, ठीक है, ये सोल बाउंड आईडी क्या है और नीव से इसका किस तरीके से रिश्ता है, इसके ऊपर ये पूरा प्रेजेंटेशन होगा, ठीक है? और अगर हम सोल बाउंड आईडी की बात करें तो जैसा कि जीन और रॉस ने काफी सारे मौकों पे पहले भी बताया है कि एक ब्लॉकचेन आइडेंटिटी आने वाले टाइम में हम लोगों के लिए बहुत कंपलसरी होने वाली है। आने वाले टाइम में जो भी हमारे पास डिजिटल एसेट्स होंगी और वो रेगुलेटेड होंगी, उन सबको ब्लॉकचेन आईडी पर रिकॉर्ड किया जा सकेगा, रिकॉर्ड करके देखा जा सकेगा, ठीक है? तो इसलिए सोल बाउंड आईडी की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होने वाली है। और इस सोल बाउंड आईडी के साथ MLCI, मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टमेंट, जो एक यूनिक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, वो ये कैसे काम करेगी, इसके बारे में हम आज पूरी प्रेजेंटेशन में जानेंगे। सो द नेक्स्ट स्लाइड। सो अगर मैं अपने बारे में बात करूं, सो मेरा नाम अतुल कुमार गुप्ता है और मैं भारत में टॉप काउंसिल का रिप्रेजेंटेटिव हूं। MLCI मैराथन का मैं पार्टिसिपेंट और एडमिन रहा हूं। पीछे आप लोगों को पता है कि MLCI के हमारे प्रोग्राम चले थे, मास्टर ट्रॉफी एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स था हमारे यहाँ, मैं उसका भी क्वालिफायर हूं। एंड लास्ट ईयर हम लोगों ने दुबई में इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट का कोर्स, जो कंपनी के बहुत एक्सक्लूसिव कोर्स है, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट का कोर्स, वो भी हम लोगों ने, मैंने और मेरे साथ इंडिया के काफी सारे टॉप लीडर्स हैं जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट के कोर्स को क्वालिफाई किया था। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं और बहुत टाइम से मैं इस कंपनी में अपनी एवरेज कम्युनिटी के लिए मैं एज अ बिजनेस कोच भी काम कर रहा हूं। पूर्व में बहुत सारे मौकों पर मैंने कम्युनिटी के लिए, समुदाय के लिए इंटरनेशनल लेवल पर भी काफी बार परफॉर्म किया है, तो आई एम इंटरनेशनल स्पीकर। और अगर मैं अपनी एजुकेशन की बात करूं तो मैं MBA और लॉ कर चुका हूं अपने स्टडीज के टाइम पे। सो ये मेरा एक संक्षिप्त परिचय था, मैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूं। तो आज के हम एजेंडे की बात करेंगे, न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, नीव का मिशन क्या है, इस नीव के मिशन के अंतर्गत कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो इस एवरेज इकोसिस्टम के अंडर में आते हैं, उस पे हम बात करेंगे। सोल बाउंड आईडी का प्रोजेक्ट क्या है और इस सोल बाउंड आईडी के प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट किस तरीके से हमारे सिस्टम के साथ किया जा रहा है, इस पे हम लोग बात करेंगे। एक्सक्लूसिव ऑफरिंग, जो भी एसटीओ बॉक्स की तरफ से जो एक्सक्लूसिव ऑफर है जो हमारी कम्युनिटी के लिए है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, MLCI बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जो एक यूनिक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो आज तक के इतिहास में दुनिया में किसी भी कंपनी ने किसी भी कम्युनिटी को नहीं दी है, वो किस तरीके से यूनिक बिजनेस अपॉर्चुनिटी, यूनिक बिजनेस मॉडल पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है? तो दोस्तों, हम बात करेंगे हमारे मिशन पे। तो हमारा मिशन, जैसा कि आपको पता है, कि द न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व का नया आर्थिक विकास, ठीक है? और ये विश्व का नया आर्थिक विकास क्या कहता है दोस्तों, जैसे कि आपको पता है और हम लोगों ने पीछे भी काफी सारे सेशंस में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि दुनिया की जो 90% जो दुनिया का धन है और जो पैसा है, वो मात्र 10% लोगों के पास है, ठीक है ना? और ये 10% लोग कौन है, ये है वो इन्वेस्टर लॉबी, जिनके साथ पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स एक साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है? तो ये जो इन्वेस्टर लॉबी है, ये दुनिया का 90% पैसा होल्ड करती है, और जो बाकी का जो 10% है, वो जो बाकी का 10% पैसा है, वो आम पब्लिक के पास है। तो इस एवरेज कम्युनिटी का उद्देश्य, हमारी कंपनी का न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड का उद्देश्य ये है कि हम किस तरीके से जो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो दुनिया की 15% आबादी के पास जाए,
जब दुनिया के पास पैसा जाएगा तो वो लोग सेफ्टी, अपने आप को बहुत सेफ समझेंगे, और उनके पास अंदर एक सुरक्षा की भावना आएगी, क्योंकि पैसे से उनकी जरूरतें पूरी होंगी, तो उनको सुरक्षा की भावना आएगी, वो एक दूसरे की मदद करेंगे, और इसी तरह से विकास होगा, और लोगों के मन में खुशी की भावना आएगी, और वो लोग अपनी ड्रीम्स को पूरा कर पाएंगे, ड्रीम्स को कंप्लीट कर पाएंगे। दुनिया एक बेहतरीन रास्ते की तरफ चल पड़ेगी। तो ये हमारा एक संयुक्त मिशन है जिसको हम लोग पूरा करने में 2014 से लगे हुए हैं। नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स, न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड का एक मिशन है, और इस मिशन का पर्पस, जैसे कि मैंने बताया, कि ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, यानी पैसे को उन अंतिम पायदान के लोगों तक पहुंचाना, विश्व के लगभग 15% लोगों तक पहुंचाना, ये मिशन है न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड का। और इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़कर हम तीन तरीके से इसमें काम कर सकते हैं। हम एज अ कंज्यूमर, एज अ उपभोक्ता, हम लोग जुड़ सकते हैं इसके साथ। मेरे पास एवोसेंट से जुड़े हुए कई उत्पाद हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये एक हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है ना, हमारा एक प्रोजेक्ट है एवोसेंट, जिसको आप भलीभांति जानते हैं, ठीक है, ये हमारे उत्पाद हैं। तो हम इन उत्पादों के साथ साथ हमारे पास और उत्पाद हैं, जैसे कि आप जानते हैं, हमारे पास एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर्स के कोर्सेज हैं, और उन कोर्सेज को भी हम लोग अपने, वो हमारे उत्पाद हैं, हम लोगों ने बहुत लंबे समय से उन कोर्सेज को खरीदा है और उनका अध्ययन किया है, और आज हम लोग दूसरे लेवल के, हमारे मेंटल लेवल बहुत चेंज हुए हैं उनके साथ। इसी तरह हमारे पास और प्रोडक्ट्स हैं, ग्लोबल यूनिट पे के उत्पाद हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हमें कंज्यूमर की कैटेगरी में लेके आते हैं, यानी हम इस सिस्टम के साथ जुड़कर हम कंज्यूमर भी हैं इस कंपनी के, साथ में हम एंटरप्रेनर भी हैं, क्योंकि ये कंपनी हमें मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टमेंट का एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी देती है, और इसके थ्रू हम लोग इसके रेफरल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करके हम लोग एज ए एंटरप्रेनियर यहां से बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं, और साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम लोग इस प्रोजेक्ट के को ओनर भी हैं, सह मालिकाना अधिकार हमें इस प्रोजेक्ट के साथ मिलता है, जो कि अपने आप में यूनिक है। आप लोगों को पता है कि आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री से, आप लोग से बहुत लोग आते हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हम लोग सिर्फ कमीशन के लिए काम करते हैं, वो कमीशन हम लोगों को मिलता है, हम लोग कंपनीज के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, लेकिन हम उसके मालिक कभी नहीं बनते। लेकिन ये एक ऐसी यूनिक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर हम लोग होते हैं तो हम लोग को ओनरशिप भी मिलती है, यानी एक ही छत के नीचे हमें तीनों चीजें मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हम लोग कंज्यूमर भी होते हैं, हम लोग एंटरप्रेनर भी होते हैं, हम लोग को ओनर भी होते हैं। तो नीव का जो पर्पस है, ये दुनिया में बहुत बड़ी कम्युनिटी को ओनर बनाना, उनको इन प्रोजेक्ट्स में हिस्सेदार बनाना, दुनिया के मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस के अंदर, ठीक है जी, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे हमारी इकोसिस्टम में, नीव में कौन कौन से बिजनेसेस आते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यूनिटेक्स हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, जो कि एक हमारा क्रिप्टो एक्सचेंज है, जिसपे लगातार काफी टाइम से काम हो रहा है, और लगातार उसमें अपडेशंस आती जा रही हैं। वर्ल्ड जर्नल ऑफ पीस, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये विश्व में शांति के लिए इस प्रोजेक्ट की स्थापना की गई है, और जो है आप इसमें भारत के अंदर मणिपुर में जो डॉक्टर लीडिया है वो इसको हेड कर रही है, भारत में हेड कर रही है इसको। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में भी, बहुत रोचक प्रोजेक्ट है, इसके बारे में भी किसी और दिन हम लोग चर्चा करेंगे डिटेल में। एनडीई प्रोजेक्ट, डिजिटल गारंटी, जैसे कि आपको पता है कि आने वाले टाइम में जो हमारे WCR जब STOs में जाएंगे तो इनके ऊपर हम लोग फंडिंग ले सकते हैं, लोन उठा सकते हैं आने वाले टाइम में, तो ये डिजिटल गारंटी है। इसी तरह से गोल्ड प्रोजेक्ट हमारे पास है, एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर, यानी जो API के जो प्रोजेक्ट्स है जिनसे हमें एजुकेशन मिलती है, ये हमारा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। एवोसेंट, जैसे कि मैंने आपको भी दिखाया, ये एवोसेंट हमारा प्रोजेक्ट है, इसके पास अभी तो सिर्फ एवोसेंट में सिर्फ परफ्यूम्स आए हैं, आने वाले टाइम में बहुत बड़ी रेंज आने वाली है कॉस्मेटिक्स की, और बहुत जल्दी आपको ये दिखाई देगी। इसी तरह जीनियस
का फर्क अपनी जनरल लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जो गलतियां की हों, कि आपने वो गलतियां की थी और भविष्य में आप भविष्य में वो कभी गलतियां आप रिपीट ना करें, तो इस बिजनेस जीनियस ऑफ फाइनेंस के द्वारा आपको ये चीज सीखने को मिलती है। ग्लोबल यूनिट पे जैसा कि आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ग्लोबल यूनिट पे, जो है एक हमारा पेमेंट प्रोसेसर है, और ग्लोबल यूनिट पे को रिसेंटली अभी बैंकिंग लाइसेंस भी मिला है, और इसके बारे में अभी आप लोगों ने पीछे बहुत सारे सारे वेबिनार सुने होंगे, आपने देखा होगा। और क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन हमारी खुद की कंपनी की खुद की अपनी ब्लॉकचेन है, जो कि ईओएस प्लेटफॉर्म पे डेवलप की गई है, यूएस ब्लॉकचेन पर है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट द मोस्ट द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट दैट इज कॉइनसेट, जिसके बारे में हम आज पूरी तरह से चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे सोल बाउंड टोकन्स की, किसी सोल बाउंड टोकन्स क्या है और इनकी क्या उपयोगिता है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा द मोस्ट अवेटेड गेस्ट हमारे साथ, जीनी डेव एंड रॉस शेम, जिनके बारे में पूर्व में काफी सारे वेबिनार्स में बताया गया है, हर प्रोग्राम में आज इन्हीं की चर्चा होती है, पूरी दुनिया पूरी एवरेज कम्युनिटी आज इन्हीं की चर्चा कर रही है। बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, बहुत ज्यादा काम किया है इन लोगों ने इस इंडस्ट्री के अंदर, और आज मैं भी अपने आप को बहुत गौरव महसूस कर रहा हूं कि मैं इन लोगों के साथ एक लाइव वेबिनार में आप लोगों के साथ सूत्रधार बनकर आया हूं। तो वेलकम मिस्टर जीन एंड मिस्टर रॉस फ्रॉम इंडिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स रिस्पेक्ट द टाइम, सो वी विल स्टार्ट विद जस्ट गेटिंग टू नो ईच अदर। एंड माय नेम इज जीनी डेव, आई एम सीईओ एंड कोफाउंडर एट स्टारबक्स। And you may understand Soulbound ID is a subsidiary product, subsidiary company of Starbucks. Therefore, I'm also running as a CEO at Solby. And for the last, actually 20 years, I'm into different tech businesses and I'm an angel investor myself. But for the last 4 years, me and our team and our co-founders have been focusing on the subject and the topic of asset tokenization. And we will tell you more today about what is a tokenization and what exactly Soulbound is, why it's important, why it's a new asset class. So before we move on, I would like to also introduce my friend, our chief operating officer and co-founder in Starbucks and Solby, Ross, please. Thank you, Gene. Thank you, Atul, for your introduction. It is a pleasure to be here. And we are looking to share our vision about the blockchain industry, about the developments, about the updates, about the trends, and of course, speak about the Soulbound tokens and Soulbound ID, so you have a better understanding of what it is, right? Educate yourself and can benefit from it by researching it and by participating. Thank you, Gene. As you mentioned, we are 5 years on this business and we are very happy to start our presentation. Next slide, please. Next slide, please. Yes. So me and Gene, as Gene mentioned, we started 5 years ago a company, Starbucks. And as Gene mentioned, we are running a tokenization business. So we help other businessmen to tokenize the assets, to put the shares on the blockchain. I know you're familiar with that on blockchain, you can store the currency and it is cryptocurrency. You can store their pictures and it is NFTs, but we store their securities on blockchain. And in this respect, we did too much. To be honest, we're doing much more than we speak. And at this point, we accumulated more than 60,000 hours of research of different nuances, cases, pitfalls, regulation, corporate structure, to accumulate the perfect knowledge and to provide the expertise for the businessmen to introduce to tokenization. Also, we developed a 4 blockchain projects, and we will speak about later then. At this moment, we are top 5 tokenization providers, turnkey tokenization providers that doing STOs. And for example, in 2019, we won the award as a best tokenization provider of the year. A year ago, we won
Recording in progress. That believe in us and that supports us. And just 3 days ago, we reached 10,000 subscribers in YouTube, and our YouTube channel become the most popular and the biggest in the world that broadcast and streamline about tokenization. And it was historical event for us. And this channel is organically grew. So it is zero bot followers. It is all of organic for the last 5 years. And you can check hundreds of videos about tokenization there. And also we are very actively contributing to the industry. We have one of the biggest blogs, blog.stobox.io, where we're publishing useful materials for the community and businessmen to educate them what tokenization is. Next slide, please. Next slide? Yep. When we talk about the project itself, right, SoBID and Stobox, it is very important and crucial to understand the partners who are assisting us with development of our ecosystem. And we have our compliance partner that do compliance for our projects and checks. It is ThumbsUp, they do KYC, it is Know Your Customer. And for example, ThumbsUp working with Binance. We have the company iComply that do KYB for us, it is Know Your Business, so checking the businesses, and iComply working with the recognized company like Microsoft. And we have Crystal Company. Crystal Company do the KYT, Know Your Transaction checks for our products. It is one of the most recognized company in the world. And all of these partners supporting us are and included in our ecosystem. Also, we have our blockchain partners. It is Algorand blockchain. It is Metis blockchain that is developed and created by Vitalik Buterin's mom. And we're speaking with them inside our ecosystem, right? And we are participating actively in communities. In Crypto Valley Association, it is the biggest association in Europe. In Global Digital Finance Association, it is one of the biggest associations in US. And we were actively contributing to the media, Cointelegraph, Bitcoin.com, NTD, the tokenist blockchain.